जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और मेरा नाम है राकेश। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे खरीदता हूँ भाई मैं ये सारे फ़ोन। अभी वैसे इसमें लेटेस्ट ये आईफोन 12 जुड़ गया, ये वीडियो एक हफ्ते पहले की है। और मोस्टली मुझे ब्रांड फ़ोन नहीं देते, इनफैक्ट 5 लाख सब्सक्राइबर तक तो मुझे किसी ने एक भी फ़ोन नहीं सेंड किया था। और मैंने पता नहीं कितने फ़ोन इस चैनल पर रिव्यू कर डाले आज तक। ईमेल आते हैं मेरे पास कि भाई प्लीज़ यार, मैंने नया चैनल ओपन किया है, कुछ मेरे को अपने फ़ोन दे दो, मैं रिव्यू करके वीडियो बना के आपको वापस कर दूंगा। नॉर्मल व्यूअर्स आप में से काफ़ी सारे पूछते हैं इतने फ़ोन आते हैं फिर ये जाते कहाँ से, कैसे मैनेज होता है। तो पूरा सीक्रेट एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी मैंने जो रूल फॉलो किया वो आपके सामने ला रहा हूँ, शायद ये आपके लिए हेल्प करेगी। सोचा क्यों ना थोड़ी सी एक अलग वीडियो दिया जाए। और जो आप लोग ईमेल करते हो ना, भाई मैं गरीब हूँ, मेरा चैनल कम्युनिटी में पोस्ट कर दो, पता नहीं मतलब लाइक मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो भाई सबसे पहले तो याद रखना, कोई भी चैनल हो, टेक चैनल स्पेशली, वो हर किसी के साथ वही होता है, 10, 20, 30, 50 व्यूज़, वीडियो ख़त्म। मैंने भी 5 मंथ यही काम किया और 8 महीने लगे थे चैनल को थोड़ा ग्रो करना शुरू हुआ था। तो इस तरीके से अपने आप को नहीं देखना, ऐसे मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता जो लिख देते हो आप, गलत शब्द है भाई, कोई गरीब नहीं होता है, ठीक है, कोई अंबानी जी का लड़का तो आएगा नहीं YouTube चैनल ओपन करने। दूसरी बात, जब चैनल स्टार्ट करोगे आप, या जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पे बात करनी होगी और थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए भाई स्मार्टफोन के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन की वीडियो बनाओ, जब आपको लगे कि लोग देख रहे भाई 100-200 व्यूज अब फिक्स हो गए हैं, जेन्युइन से व्यूअर्स हैं, वो आपके रिश्तेदार वाले नहीं, उसके बाद आप 2 स्मार्टफोन पे पैसा इन्वेस्ट करो, दोस्तों से उधार मांगो, मम्मी से को बोलो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे 2 फोन लेना है, गलत काम के लिए तो नहीं ले रहे हो ना, पापा से हाथ पैर जोड़ लो यार शाम को जो भी है जब भी घर पे आए, या फिर कोई दोस्त नया फ़ोन ले रहा हो, जो कैसे भी आपको मैनेज करना है ये आपके ऊपर है, मैंने भी ऐसे ही मैनेज किया था। आपको वो फ़ोन खरीदने हैं, 2 फोन किसी भी तरीके से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप टेक चैनल ओपन करने जा रहे हो, अगर 2 फोन भी नहीं खरीद सकते तो बहुत दिक्कत होगी भाई। उन 2 फोन से पता आप कितने वीडियो बना सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अनबॉक्सिंग बनाया आपने, उसके बाद आप कैमरा टेस्ट करो, उसके बाद जी कैम टेस्ट है, कैमरा कंपैरिजन है, बैटरी टेस्ट है, चार्जिंग टेस्ट है, उसके बाद अगर जैसे रियलमी एक्स का पॉपअप कैमरा आया था तो मैंने भी शुरू में, हर चैनल करता है, मैंने भी बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, उसका मतलब ऐसे उल्टे सीधे टेस्ट कर सकते हो आप, जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था बट किया था, काफ़ी अच्छी चली थी वीडियो। उसके बाद जब ये सारे काम हो जाए तो रिव्यू कर दो। अभी भी मन नहीं भरा ना, तो अपडेट आते हैं हर फ़ोन के, पॉपुलर फ़ोन लेना है ऐसे नहीं कोई भी फ़ोन उठा लो आप, उनके अपडेट के वीडियो बनाना शुरू कर दो। गैलेक्सी A50 याद है, मेरे को बहुत अच्छा बूस्ट मिला था गैलेक्सी A50 से, मैंने उस पर जब भी अपडेट की वीडियो बनाता था ना, चैनल पे 5-10 हज़ार व्यूज़ आते थे लेकिन उस पर 1 लाख व्यूज़, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था। अब यहाँ मिस्टेक मत कर देना गलती से भी, अगर आपके किसी एक टॉपिक पे व्यूज़ आते हैं ना तो उसी पे काम बिल्कुल मत करना हमेशा, चैनल आगे जाके डेड हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आते चले जाएंगे ढेर सारे, सिर्फ उसी फ़ोन के लिए आएंगे वो, क्योंकि आप टेक रिव्यूअर बनने जा रहे हो, आपको अलग अलग फ़ोन, अलग अलग कंपनी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम करना होगा। तो जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको बीच बीच में अलग अलग कॉन्टेंट मिलते रहना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हम जिस चैनल से जुड़े हैं ना वो कुछ काम का हमारे, ऐसे नहीं एक ही फ़ोन पे लगा हुआ है व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन ये नुकसान करेगा आपको लॉन्ग टाइम में। और दिन ब दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। पहली वीडियो याद है मेरी, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान थेरेपी पर। तो डे बाय डे आप भी इम्प्रूव करोगे, गलतियाँ किससे नहीं होती, मस्त करते रहो, मज़ा इन लाइफ। और जिस दिन आपको लगे ना आप 100% ट्रेंड हो गए, उस दिन आपका चैनल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, कभी आप ट्रेंड नहीं हो सकते, गलतियाँ होती रहेंगी, कुछ गलतियाँ कम हो जाएंगी लेकिन आप परफेक्ट कभी नहीं बनेंगे, सीखते रहना मस्त। फिर क्या होगा, आपके वीडियोस पे व्यूज़ आने लग जाएंगे, $100 मिनिमम यूट्यूब जब होता है पैसा भेज देता है भाई, $100 से नीचे होता तो नहीं भेजता, कहता नहीं भेजेंगे, क्या करोगे 7,000 रुपये से नीचे पैसा, तो आपके मतलब 10,000 मान लो मंथली आने लग गए तो 10,000 रुपया ये हो गया। अब पुराने फ़ोन में से आप एक फ़ोन तो बेच सकते हो ना, एक फ़ोन को बेच दो, ये नया फ़ोन और पुराना फ़ोन मिलके फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू कर दो जो मैंने अभी शुरू में रिपीट किया था, ऐसे करके फिर तीसरा फ़ोन खरीद लो। पैसा जो है ना उसको इन्वेस्ट करना है, ऐसे जेब में नहीं डालने का। फन फैक्ट बताऊँ, ये दाढ़ी देख रहे हो अभी कहोगे ये क्यों दिखा रहा हूँ, YouTube पे आने से पहले इस पे मैं इस एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करता था, एक्स्ट्रा टाइम देता था, अलग अलग तरह के आते ना वो सारे पता नहीं क्या क्या करता रहता था, अभी दाढ़ी की केयरिंग करनी है। जब YouTube पे आया पैसा आने लग गया अपने पास से, पहले तो घर से मिलता था ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मतलब अपने पैसे में
फोन पे लगा रहा हूँ, अपने शौक कभी नहीं पूरे किए। आपका फोकस ही सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए भाई, आपको जितने फोन एक्सपीरियंस करोगे, जितने ब्रांड के फोन एक्सपीरियंस करोगे, उतना ज्यादा व्यूअर्स से बात कह पाओगे ओपनली। ठीक है, अब जैसे मैंने इस मंथ इतने सारे फोन खरीदे, आपको क्या लगता है सिर्फ ये यूट्यूब मनी है? नहीं तो क्या सोचने लग गए, वहां मत पहुंच जाना, पैसे खा रहे हैं। ठीक है, साथ में कुछ स्पॉन्सरशिप आपको दिखे थे ना वीडियो में, 50 सेकंड की जो वीडियोस वगैरह देखते हो ना आप। और मेरा रूल रहा है, जब लगता है कुछ यूजफुल है या फिर जिनसे व्यूअर्स का नुकसान नहीं है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो वहां से आपको क्या हुआ, हेल्प मिल गई, और जो आपकी अर्निंग है उससे हेल्प मिल गई, और पिछले महीने के कुछ पैसे भी बचते हैं ना। हर महीने थोड़ी है कि इतने सारे फोन लॉन्च होंगे, आप हर महीने इतना इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरह से आपके सेविंग भी होती रहेगी, तो वो सेविंग को आप नेक्स्ट मंथ में इन्वेस्ट कर दो, और उसके बाद लाइक कुछ गैजेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी जो मैंने लेंस परचेज किया रिसेंटली, ये 65,000 का है, तो ये सिर्फ लेंस का पैसा है। ये सारे पैसे मतलब बड़े ही केयरिंग से इसको कलेक्ट करना पड़ता है। और व्यूअर्स लोग सोचते हैं ना भाई ऐसे पैसा आ जाता है वीडियो से, बहुत ज़्यादा वीडियो बना के, ऐसा नहीं है दोस्त। अभी जो मैंने आईफोन की वीडियो बनाई इससे सिर्फ 5,000 रुपये आए हैं। ठीक है, तो 120,000 में मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है। बाय द वे एक और पॉइंट शेयर करना था आप लोग, मतलब चैनल शुरू हुआ 10,000, 20,000, 5 लाख सब्सक्राइबर, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ब्रांड्स को ईमेल करने लग जाते हो, हमें रिव्यू यूनिट चाहिए। भाई मत करो ऐसा, जब आपको व्यूज वगैरह आएंगे ना, सब्सक्राइबर सपोर्ट करेंगे, उनके लिए पहले काम करो। ब्रांड आते जाते रहते हैं, वैसे मुझे एक ही दो ब्रांड लोग फोन भेजते हैं, सिर्फ फोन, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, वो सिर्फ फोन भेजते हैं, याद रखना इस बात को। तो लेकिन बात वही है, आप इन चक्करों में मत पड़ो, कंटेंट पे फोकस करो, आपका व्यूज आएगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। तो गट्स होने चाहिए आपके अंदर कि भाई मैंने चैनल जो ओपन किया व्यूअर्स के लिए ओपन किया था, ना कि सिर्फ ब्रांड के चक्कर में ओपन किया था। तो आप काम करते रहो, वो आ जाएंगे जब उनको ठीक लगेगा। तो बस कंटेंट अच्छा होगा, चैनल आगे बढ़ता रहेगा तो फिर सब चलता रहेगा। ये चीज़ आप फॉलो करो, सिंपल यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। और कोई शॉर्टकट, प्रमोशन, उल्टे सीधे स्टेप, पैसा देके सब्सक्राइबर खरीदने वाले काम भी होते हैं यहाँ पर, ये करना, व्यूज़ खरीदना, इससे आपके चैनल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, मत करना ये कभी भी, भूल के भी फ्रस्ट्रेट मत हो जाना। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी YouTube पे जाने वाली है कि Instagram पे, जहाँ ठीक लगेगा, क्योंकि ये मेरा कोई रेगुलर कंटेंट नहीं है कि मैं रोज YouTube के टिप्स दे रहा हूँ, मेरा तो अलग ही डिपार्टमेंट है चैनल का। तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशली ये वीडियो, तो मैं कोई ऐसे बहुत बड़ा मेरा चैनल नहीं है, बट मेरी तरफ से आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, या सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, सोशल मीडिया एक अच्छी जगह है, अच्छे से इसका यूज़ करो, आप सब कुछ मिलेगा आपको धीरे धीरे, लालच नहीं करने का कभी लाइफ में। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।